स्कूल ने बच्चों से उनका जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर्म और हेल्थ चेकअप फॉर्म दोनों को क्लब करके एक फॉर्मेट बनाया और उस पर बच्चों से सूचनाएं चाही गई। जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंतर्गत पेरेंट्स को अपने स्तर पर सूचनाएं देनी थी और मेडिकल हेल्थ चेकअप फॉर्म के अंतर्गत डॉक्टर द्वारा वेरीफाइड हमने सूचनाएं मांगी। ये समस्त सूचनाएं CBSE के द्वारा जारी निर्देशिका जो हेल्थ एंड फिजिकल पोर्टफोलियो के तहत आती है उसके तहत एकत्रित की जा रही हैं। CBSE ने देश के समस्त स्कूलों से ये सूचनाएं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनका सही चयन विशिष्ट खेल कूद प्रतियोगिताओं में अथवा योगा आदि विशिष्ट खेलों में हो उसके लिए इसके आधार पर उनका ध्यान रखा जा सके कि कहीं बच्चों का चयन किसी गलत खेल में ना हो जिससे उन्हें शारीरिक अथवा किसी तरह की भी कोई हानि हो सके, उससे बचाव के लिए उनका सामान्य हेल्थ चेकअप की ये सूचना मांगी गई है। अब जो कुछ भी स्कूल ने ये सूचना मांगी है वो CBSE की गाइडलाइन के तहत मांगी है। बात ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह का भ्रम जो अभिभावकों के बीच फैलाया जा रहा है ये अनुचित है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय ने अपने स्तर पर कोई स्वास्थ्य कैंप आयोजित करके बच्चों के मेजरमेंट लेने जैसा काम नहीं किया है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा गया है कि वो अपने डॉक्टर के पास जाकर ये मेजरमेंट इकट्ठे करें। दूसरी बात, जो पेरेंट्स इन मेजरमेंट्स को न देना चाहें तो ऐसा कोई कंपल्सन या ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें ये देना ही आवश्यक है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई भी स्थिति है कि जिससे कि कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो। ये मेजरमेंट बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए, उनके विकास को ध्यान में रखने के लिए ही लिए जा रहे हैं। और ये निर्देश इस स्कूल में नहीं, आप किसी भी स्कूल में पता करिए, मेरे पास सेंट जेवियर्स स्कूल का फॉर्म है जिसमें ये सूचना मांगी जा रही है जयपुर के। उसके अलावा हमारे स्कूल में भी 2018 में भी ये सूचना मांगी गई है। 2018 से पहले 2013-14 से हम प्रतिवर्ष ये सूचना इकट्ठे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ नया हुआ है, प्रतिवर्ष पेरेंट्स अपने स्तर पर इन सूचनाओं को हमें देते आए हैं। बिल्कुल गाइडलाइन में है और गाइडलाइन को मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, गाइडलाइन के अंदर स्पष्ट रूप से जो फिजिकल एंड हेल्थ चेकअप गाइडलाइन है CBSE द्वारा जारी, इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रेड 9, 10, 23, 24 की गाइडलाइन है। इसमें ये सारा हेल्थ एंड एक्टिविटी रिकॉर्ड के अंतर्गत कक्षा 12 तक ये जानकारी चाही गई है, जिसमें सरकमफ्रेंस टाइटल के अंतर्गत ये तीनों सूचनाएं जिन पर विवाद पैदा किया जा रहा है वो मांगी गई हैं। और स्कूल्स क्योंकि CBSE से संबद्ध है तो निश्चित रूप से स्कूल को उन सूचनाओं को एकत्रित करना और CBSE के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। स्कूल ने अपने स्तर पर किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मांगी है, इसलिए किसी तरह का ये विवाद स्कूल से संबंधित नहीं है। मैं सुधीर तोमर, संस्था का एक अध्यापक हूँ।